नमस्कार दोस्तों, अक्सर हम कहीं पर जाते हैं तो हम अपने आसपास कई लोगों को भीख मांगते हुए ज़रूर देखते हैं और ये चीज़ आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी। क्या हमें इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए? इस सब के अलावा आपने बूढ़े माता पिता को भी भीख मांगते हुए ज़रूर देखा होगा। आखिर ऐसा होता ही क्यों है? क्या हम इस सब को रोक नहीं सकते? कई लोगों का ये भी मानना होगा कि ये तो इनका पेशा है, या फिर हम में से बहुतों का सोचना होगा कि ये तो इनकी आदत बन गई है। मेरा आप सभी से एक सवाल है कि क्या भीख मांगने वाला हर कोई गरीब होता है? भीख मांगने का सबसे बड़ा रीज़न इकोनॉमी और बेरोजगारी भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है। किसी को भी भीख मांगना अच्छा नहीं लगता है, वो अपने बुरे हालातों की वजह से ऐसा करता है। इंसानों ने पूरी तरह से अपने आप को भगवान के हवाले कर दिया है, भगवान पर पूरी निर्भरता डाल दी है, या यूं कहें कि हमारी पूरी लाइफ ही भगवान पर निर्भर है। तभी तो हम ये कहने में जरा भी हिचकिचाते नहीं है कि बिना उसकी इजाज़त के पत्ता तक नहीं हिल सकता। क्या ऐसा ही होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब सारे काम हम खुद करते हैं तो फिर ऐसी फिजूल की बातों में क्या रखा है? गूगल बाबा के हिसाब से भारत की आबादी अभी 133.92 करोड़ हो गई है। यदि हम देश में भिखारियों की संख्या पर गौर करें तो कुल भिखारियों की संख्या 4 लाख है। आंकड़ों से पता चलता है कि देश में कुल 4,13,670 भिखारी है। इनमें 2,21,673 पुरुष और 1,91,997 महिलाएं हैं। ये लोग अधिकतर मानसिक तौर से परेशान होते हैं या सामाजिक तौर पर विकलांग होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोग कामचोर भी होते हैं जो भीख मांगते हैं। भीख मांगने वाला हर कोई इंसान गरीब है ये कहना मुश्किल है, लेकिन अधिकांश लोग गरीब हैं ये जरूर कह सकते हैं। बड़े लोगों के साथ साथ छोटे बच्चों को भी आपने भीख मांगते हुए जरूर देखा होगा, जिसमें बहुतों की आंखें नहीं होती या फिर किसी के हाथ टूटे हुए होते हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या भीख मांगते छोटे बच्चों को भीख देनी चाहिए? अब कुछ लोग तो कहेंगे कि नहीं देनी चाहिए और कुछ लोग देते भी हैं, लेकिन अगर हम उन बच्चों की हकीकत देखें तो तब हमें पता लगेगा कि वे भीख क्यों मांगते हैं। वो कोई जानबूझकर ऐसा नहीं करते हैं। उनमें से कितनों के माँ बाप नहीं होते और ना ही उनके पास कोई घर होता है। ऐसे में हम इन्हें कह देते हैं कि मेहनत करो या कमा कर खाओ, और आप सभी को पता है कि लोगों पर कोई इतनी जल्दी से विश्वास भी नहीं करता है, तो इन्हें काम कहाँ से मिलेगा? क्या भारत में भीख मांगना कानून के अनुसार एक अपराध है? जवाब है नहीं। 29 नवंबर 2017 को केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा कि गरीबी के कारण भीख मांगना कोई अपराध नहीं है। केंद्र ने कहा कि मजबूरी में भीख मांगना अपराध नहीं है, लेकिन अगर कोई किसी के दबाव में भीख मांग रहा है तो वो ऐसे शख्स को हिरासत में लेकर उचित कार्रवाई की जा सकती है। आप लोगों से गुजारिश करते हुए कहना चाहूँगा कि किसी भी बच्चे को भीख देने से बचें, क्योंकि बच्चों को भीख देने से उनका भविष्य नहीं सुधरेगा। यदि भीख नहीं दी जाएगी तो बच्चे भीख मांगना भी बंद कर देंगे। अगर उसकी मदद करना चाहते हो तो संबंधित हेल्पलाइन पर फ़ोन करें, लोकल अथॉरिटीज़ को सूचित करें। पॉसिबल है कि आपकी इस कोशिश से उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, भिखारियों का यूं भीख मांगना सही है या गलत? हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।